गजानन भगवान की जय। इस सावन महीने के अंदर ऊपर देखिए, सावन महीने के अंदर बड़ा भारी महत्व होता है, क्योंकि सावन महीने के अंदर माता बोरा ने जन्म लिया था। एक साल की 12 महीने का सावन महीना, आते सोमन दित रोशी बुद्ध शुद्ध मंगल की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र लगे हुए, सवेरे 4 बजे का टेम, माता बोरा ने मैना मंत्र की कोख से जन्म लिया था। इसी सावन महीने के अंदर पूरा साल एक तरफ होता है, सावन महीना एक तरफ होता है। ये भगवान शंकर का प्रिय महीना होता है, क्योंकि इस महीने के अंदर माता गोरा ने जन्म लिया। इस महीने के अंदर जो 4 सोमवार के व्रत रखते हैं उसका बड़ा भारी महत्व होता है, और जो भी मनोकामना मांगते हैं भगवान से उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन महीने के अंदर बेलपत्र चढ़ाने से थोड़ी भक्ति करने से ही खुश हो जाते हैं और जाकर के जिस प्रकार से हरियाणा आधा पंजाब दिल्ली के लोग कावड़ बैंगी लाते हैं इस महीने के अंदर, उस बैंगी के अंदर उस कावड़ के अंदर गंगा जल होता है और आकर के आप समूह के ऊपर जहाँ पर अपने आप शिव जी भगवान निकले हुए हैं वहाँ पर आकर के उनका जल अभिषेक करते हैं। उस जल अभिषेक करने से जो कावड़ लाते हैं जप तप व्रत तीनों का महत्व प्राप्त हो जाता है। तीनों का महत्व प्राप्त होता है जप, जैसे कुछ भी बम बम बोले, चाहे भोलेनाथ आवाज निकालते हुए जयकार की आवाज निकालते हुए जाते हैं, तपस्या पाँव में नंगे पाँव होते हैं उनके पाँव में छाले पड़ते हैं, क्योंकि भगवान का वास दुख में होता है सुख में नहीं है। जब चलते हैं तो उनको दर्द होता है, तब भगवान ही उनके मुख से निकलता है ओम नमः शिवाय बम बम बोले जय भोलेनाथ, उसकी आवाज से निकलता है। इसीलिए सावन महीने के अंदर बेलपत्र की पूजा चढ़ा करके और खीर और मालपूड़े का भोग लगाया जाता है। मालपूड़े का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, जो मालपूड़ा होता है उससे मालपूड़ा खाने से अनेकों बीमारियों को दूर भगा देता है। इसीलिए सावन महीने के अंदर बेलपत्र की पूजा चढ़ाएं और भगवान शंकर की ओम नमः शिवाय का जाप करें, उससे भक्तों का कल्याण हो जाता है और शिव जी भगवान उनसे आकर्षित होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। देखो जी, सावन का महीना जो हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीनों से जो सावन का महीना है शंकर भगवान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये है इस महीने में कोई एक लोटा जल चढ़ाए, बेलपत्री श्रद्धा से उन्हें अर्पण करे, भगवान को उनको अनंत फल प्राप्त करते हैं। सब बढ़ चढ़ कर भगवान की पूजा करें और भगवान की भक्ति करें और भगवान के जो भी पुष्प पत्थर बने वो भगवान को अर्पित करें और सबसे प्रेम भाव बना चढ़े। आज का जो युवा वर्ग है वो कितना आकर्षित है हमारे उत्सवों की तरफ, जिस तरह से आज पहला सोमवार है सावन का, कांवड़ की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, धार्मिक उत्सव निर्वर्ग है, उसके साथ किस तरह से युवा वर्ग जुड़ा हुआ है? देखो सारे तो युवा नहीं है, चलो फिर भी कुछ युवा भगवान की तरफ बहुत आकर्षित है। जहाँ पर 3-4 बजे मंदिर खुल जाता है, बहुत से युवा बच्चे लड़के आते हैं पूजा करते हैं भगवान की, तो युवा भी बढ़ चढ़ कर भगवान की पूजा करें। तो किसी तरह की जरूरत है धार्मिक श्रद्धा को जागृत करने की युवा वर्ग में? जरूरत तो यही है कि भगवान शंकर भगवान जी उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें तो उनमें अपने आप जागृतता उत्पन्न हो जाएगी।
भी चारों हैं। मैं भी जा रहा हूँ यार, खाली देखना पड़ेगा।